हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NSIT कंप्यूटर एजुकेशन। दोस्तों आज हम सीखेंगे MS Paint में टेस्ट के ऊपर इमेज का मास्किंग लगाना। इमेज के मास्किंग लगाने के लिए सबसे पहले हमें MS Paint को ओपन करना होगा। MS Paint को ओपन करने के लिए विंडो के साथ R प्रेस करेंगे और यहां टाइप करेंगे MS Paint। MS Paint टाइप करने के बाद ओके कर देंगे, MS Paint का पेज ओपन होकर आ जाएगा। MS Paint ओपन होने के बाद यहाँ से हमें इसमें इमेज इंसर्ट कराना है। इमेज इंसर्ट कराने के लिए आ जाएंगे हम पेस्ट फ्रॉम में, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पेस्ट फ्रॉम का एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, जहाँ से हम इमेज को सेलेक्ट करके इंसर्ट करा लेंगे। इमेज इंसर्ट होने के बाद इमेज की साइज हमारे कंप्यूटर में बड़े में आएगा, तो उसे हम छोटा करेंगे। छोटा करने के लिए यहाँ से हम कॉर्नर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पकड़ के नीचे की तरफ खींच देंगे। खींचने के बाद यहाँ से हम इमेज को छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद उसके दूसरे साइड में जहाँ वाइट पेज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टेस्ट को इंसर्ट करेंगे। टेस्ट को इंसर्ट करने के लिए यहाँ से टेस्ट पे क्लिक करेंगे और टेस्ट का डायलॉग बॉक्स बनाएंगे। इस डायलॉग बॉक्स में लिखेंगे NSIT। लिखने के बाद हम बाहर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम आएंगे सेलेक्ट में। सेलेक्ट में आने के बाद सेलेक्ट टेस्ट, यानी टेस्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। टेस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। यहां से टेस्ट को सेलेक्ट करने के बाद आ जाएंगे हम कलर टू में। कलर टू को हम सेलेक्ट करके इसको हम ब्लैक कर देंगे। जैसे ये ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक होने के बाद आ जाएंगे हम सेलेक्ट वाले ऑप्शन में। नीचे आएंगे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद टेस्ट को उठा करके हम इस इमेज पे ले आएंगे। इमेज पे लाने के बाद हमारा टेस्ट उसके ऊपर इंसर्ट हो गया। इमेज हमारे टेस्ट के ऊपर इमेज इंसर्ट हो गया। अब इसके बाद इसे हम पूरा इमेज जो लिखा हुआ है सिर्फ उसी को देखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम आएंगे कलर टू को वाइट कर देंगे। वाइट करने के बाद आ जाएंगे यहाँ से सेलेक्ट में और यहाँ इन्वर्ट सिलेक्शन पे क्लिक कर देंगे। इन्वर्ट सिलेक्शन पे क्लिक करते ही यहाँ से पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे, टोटल डिलीट हो जाएगा और हमारा यहाँ ग्रेडियंट टेस्ट के ऊपर बन के तैयार हो जाएगा।